हेलो फ्रेंड, मैं नीलेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स पर। आज हम लेकर आए हैं अवकलन का चौथा पार्ट, डिफरेंशिएशन का फोर्थ पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम आप लोगों को बताने वाले हैं चैन रूल, श्रृंखला नियम। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि चैन रूल किसमें अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो जो कंपोजिशन फंक्शन होगा, कंपोजिट फंक्शन जिसे हिंदी में कहते हैं संयोजन या संयुक्त फलन, जैसे हम बताए थे निकालने के लिए कंटिन्यूटी में फॉग कैसे निकलेगा, गॉफ कैसे निकलेगा इस तरह से, तो फॉग और गॉफ ये सब हो गया, ये सब कंपोजिशन फंक्शन है। तो कंपोजिशन फंक्शन का डेरिवेटिव ज्ञात करने के लिए, डीसी ज्ञात करने के लिए, अवकलज प्राप्त करने के लिए हम लोग चैन रूल का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई कहेगा कि चैन रूल द्वारा अवकलज कैसे फंक्शन को ज्ञात करने के लिए करेगा, तो कंपोजिशन फंक्शन जिसे हम लोग हिंदी में संयोजन या संयुक्त फलन कहते हैं। ठीक है, तो कंपोजिशन फंक्शन का अवकलज चैन रूल द्वारा किस प्रकार निकलता है हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि किसी निष्पत्ति के बगल में, ध्यान से समझिएगा, किसी भी निष्पत्ति के बगल में जे रहेगा उसको हम नीचे लाएंगे और जो नीचे आता है वह ऊपर जाएगा। यह तभी स्पष्ट होगा जब हम उदाहरण लेंगे। ठीक है, आप लोग यहां पर ध्यान से देखिए कि कौन कौन नीचे आ सकता है। तो किसी भी निष्पत्ति के बगल में जे रहेगा वो क्या आएगा, नीचे। जैसे साइन एक्स साइन है, अब साइन के बगल में दे दिया 2x, साइन के बगल में क्या दे दिया 2x, तो 2x को क्या कर देंगे हम नीचे ला देंगे, जब नीचे आएगा तो वह ऊपर भी जाएगा। तो बस इतना आप लोग याद कीजिए कि किसी भी निष्पत्ति के बगल में जे रहेगा वह क्या आएगा, नीचे आएगा। जैसे मान लिए cos x के बगल में क्या है, tan x, cos tan x, तो cos के बगल में क्या है, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों की संख्या क्या होता है, कितना होता है, 6 होता है। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीन भुजाओं को अधिक से अधिक 6 अनुपात में ही व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितना होता है, 6 होता है। मान लिया जाए किसी त्रिभुज के तीन भुजा, एक होता है लंब होता है, एक होता है आधार होता है और एक क्या होता है, कर्ण। ये तीनों से अधिक हम 6 अनुपात ही बना सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितना होता है, 6 होता है। ऐसे देखिए लंब है तो लंब और आधार से, तो लंब और आधार से अनुपात बनेगा लंब बटे आधार, चाहे इसी को उलट देंगे आधार बटे लंब, तो एक दुग हो गया। अब ये दोनों से आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, या फिर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, या फिर हम लिख सकते हैं ये दोनों हो गया, ये दोनों किनारला दोनों ले रहे हैं, या तो हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, या तो लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब। मतलब लंब आधार और कर्ण से, लंब आधार और कर्ण की सहायता से अधिक 6 अनुपात बनाया जा सकता है। जैसे लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब, अधिक से अधिक 6 अनुपात बना सकते हैं, इसलिए त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। कौन कौन, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट, ये त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं। यदि किसी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के बगल में जे रहेगा, साइन के बगल में 2x है तो 2x नीचे आएगा, कॉस के बगल में 10x है तो 10x नीचे आएगा, मतलब किसी भी निष्पत्ति के बगल में जे रहेगा वह कहां आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, अगला है जिस पर पावर रहेगा वह क्या आएगा, नीचे। इसे ध्यान दीजिएगा, इस तरह से रहेगा, समान लिया जाए साइन एक्स के पावर 7 है, तो किसको पर पावर 7 है, साइन एक्स पर, तो जिस पर पावर रहता वह क्या आता है, नीचे। याद करना है जिस पर पावर रहेगा वह क्या आएगा, नीचे। जैसे मान लिया लॉग एक्स के पावर 15, लॉग एक्स के पावर कितना दिया हुआ है, 15, तो लॉग एक्स के पावर 15 है तो लॉग जिस पर पावर है, किस पर पावर है, लॉग पर, तो लॉग आ जाएगा कौन सी, नीचे, लॉग आएगा क्या, नीचे।
पहला क्या पढ़े, किसी भी निष्पत्ति के बगल में जे रहेगा वह क्या आवेगा, नीचे आवेगा। जिस पर पावर रहता है वह क्या आता है, नीचे। जैसे साइन एक्स पर पावर 7 है तो साइन एक्स आवेगा नीचे, ठीक है। लॉग एक्स के पावर 15 है तो लॉग एक्स आवेगा तो उसी नीचे आवेगा। अब यहां पर है ई के पावर जितना होगा, मतलब ई के पावर जीरो रहेगा वह क्या आएगा, नीचे आएगा। इसे मान लिया जाए कि ई के पावर 10x है, ई के पावर क्या है 10x, तो नीचे कौन आएगा 10x। ई के पावर जे रहेगा वह क्या आएगा, नीचे आएगा। मान लिया जाए कि ई के पावर लॉग एक्स है, ई के पावर क्या है लॉग एक्स, तो ई के पावर जे रहता है वह क्या आता है, नीचे आता है, ठीक है। तीसरा हो गया क्लियर। अगला देखते हैं, लॉग एक लॉग के बगल में जे रहता है, लॉग के बगल में वाला जे रहेगा अर्थात लॉग के बगल में जे रहेगा वह क्या आएगा, नीचे आएगा। सब पर उदाहरण लेकर हम समझाएंगे, जैसे लॉग एक्स है, लॉग है, लॉग के बगल में हो गया क्या टेन एक्स, लॉग के बगल में क्या है टेन एक्स, तो टेन एक्स क्या आएगा नीचे आएगा। किस प्रकार नीचे आएगा अभी हम उदाहरण लेकर समझाते हैं। आप लोग इतना केवल याद रखिए कि लॉग के बगल में जे रहेगा वो क्या आ जाएगा, नीचे आएगा। इसे मान लिया जाए कि लॉग के बगल में है ई के पावर एक्स, तो लॉग के बगल में है ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। पांचवा है एक के पावर जे रहता है वह क्या आता है, नीचे। जैसे एक के पावर साइन एक्स हो गया तो साइन एक्स क्या आ जाएगा, नीचे। एक के पावर 2x हो गया, a के पावर क्या हो गया 2x, तो 2x आ जाएगा क्या, नीचे। मतलब एक के पावर j रहेगा वह क्या आ जाएगा, नीचे। अगला है छठा है कि रूट के अंदर j रहता है वह क्या आ जाता है, नीचे। रूट के अंदर j रहेगा वह क्या आएगा, नीचे आएगा। इसे हम लोग समझते हैं, रूट के अंदर j रहेगा वह क्या आ जाएगा, नीचे। इस तरह से रूट साइन एक्स है तो साइन एक्स आ गया क्या, नीचे। रूट 2x प्लस 3 है तो 2x प्लस 3 क्या आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। रूट लॉग e के पावर x है तो रूट के अंदर कौन है, लॉग e टू द पावर x, तो रूट के अंदर j रहेगा, रूट के अंदर j रहेगा वह क्या आ जाएगा, नीचे आएगा, ठीक है। और अगला है कि प्रतिलोम फलन इनवर्स फंक्शन जो है, जैसे मान लिया जाए कि साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स टेन एक्स, साइन इनवर्स टेन एक्स, तो साइन इनवर्स, तो साइन के इनवर्स के बगल में क्या है टेन एक्स, साइन इनवर्स के बगल में क्या है टेन एक्स, तो टेन एक्स आ जाएगा क्या, नीचे आएगा, ठीक है। कॉस इनवर्स ई के पावर एक्स, तो कॉस इनवर्स के बगल में क्या है ई के पावर एक्स, तो जो किसी भी इनवर्स मतलब प्रतिलोम फलन के बगल में जे रहता है क्या आता है, नीचे आता है। कब, जब उसका डेरिवेटिव हम चैन रूल से ज्ञात करते हैं तब, ठीक है। जैसे हम लोग कुछ उदाहरण लेकर समझते हैं कि किस प्रकार नीचे आता है, ठीक है। अर्थात हम लोग सीखने जा रहे हैं अब क्या, चैन रूल, अर्थात चैन रूल द्वारा किस प्रकार किसी भी फंक्शन का अवकलन ज्ञात किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि एक उदाहरण हम ले रहे हैं, ठीक है। इसे मान लिया जाए कि y बराबर साइन थ्री एक्स, y बराबर साइन थ्री एक्स का अवकलज x के सापेक्ष ज्ञात करें। मतलब कोई फंक्शन दे दिया, आप कहेंगे कि उसका अवकलज x के सापेक्ष ज्ञात करें, ठीक है। तो यह एक प्रकार का कंपोजिट फंक्शन है, यह एक प्रकार का कैसा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिशन फंक्शन है, संयोजन फलन है। इसका डेरिवेटिव ज्ञात करने के लिए हम चैन रूल का अप्लाई करेंगे, समझते हैं। वाई बराबर कितना दिया हुआ है थ्री एक्स, तो इसको लिख देंगे, चूंकि वाई बराबर कितना दिया हुआ बाबू, साइन थ्री एक्स दिया हुआ है, साइन थ्री एक्स। अब इसको डेरिवेटिव करना है किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, तो यहां पर लिख देंगे दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलित करने पर चाहे अवकलन करने पर। अच्छा, वाई का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डीवाई बाई डी एक्स,
वाई का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा डीवाई बाई डी एक्स। अब यहां पर यह डी साइन थ्री एक्स, साइन थ्री एक्स। अब यहां पर थोड़ा सा देखना है, साइन थ्री एक्स है तो साइन के बगल में क्या है एक्स, थ्री एक्स है तो साइन के बगल में जे रहेगा वह नीचे आएगा। ध्यान एक बात और देखना है, हम एक्स के सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं, तो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जिसके सापेक्ष अवकलज ज्ञात करते हैं उसको हम नीचे रखते हैं। मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कर रहे हैं तो जब तक नीचे एक्स नहीं आएगा तब तक उससे हम नीचे ऊपर करते रहेंगे। मान लिया जाए कि वाई बराबर साइन थ्री एक्स है, इसको हम दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन किए तो डीवाई बाई डी एक्स। अब डी साइन थ्री एक्स, साइन थ्री एक्स, अगर एक्स रहता साइन के बगल में एक्स रहता तो नीचे क्या लिखते डी एक्स लिखते, साइन के बगल में थ्री एक्स है तो नीचे क्या लिखेंगे थ्री एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे थ्री एक्स लिखेंगे। तो जो नीचे आया, नीचे आया डी थ्री एक्स, तो जो नीचे आएगा वह क्या जाएगा ऊपर जाएगा, जो नीचे आएगा वह कहां जाएगा ऊपर जाएगा। अब बटे थ्री एक्स, तो थ्री के बगल में क्या है एक्स है तो नीचे आ जाएगा डी एक्स। तो हमको एक्स के सापेक्ष ज्ञात करना था तो नीचे एक्स आ गया ना, बस हम यहीं तक रुक जाएंगे। अब सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो डी बाई बाई डी एक्स मतलब वाई के डीसी हो जाएगा क्या वाई डेस। और हम पिछले वीडियो में बताए थे कि डी के बगल में जे रहता है उसका सूत्र लगाते हैं, डी के बगल में जे रहेगा उसका क्या लगाते हैं सूत्र लगाते हैं। तो डी के बगल में कौन है साइन थ्री एक्स, डी के बगल में क्या है साइन थ्री एक्स, तो डी के बगल में साइन है, डी के बगल में क्या है साइन, तो साइन का डीसी होता है मतलब साइन एक्स का डीसी होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स। यहां एक्स का है कितना है थ्री एक्स, थ्री एक्स लिख दी। फिर से हम लोग समझते हैं, डी साइन थ्री एक्स और साइन के बगल में क्या है थ्री एक्स, तो साइन के बगल में जे रहेगा वह क्या ना कहां लग्न है नीचे। अभी अभी हम बताए हैं कि किसी भी त्रिकोणमितीय फलन के बगल में जे रहता है वह कहां आता है नीचे आता है। यहां पर एक्स रहता तो नीचे डी एक्स लिखते, अगर वाई रहता तो नीचे डी वाई लिखते, एके पावर एक्स रहता तो डी एके पावर एक्स लिखते, ठीक है। मतलब साइन के बगल में जे रहता है वह क्या आता है नीचे। अब जब नीचे आया तो कहां जाएगा ऊपर जाएगा, क्यों जाएगा नीचे क्योंकि थ्री एक्स एक्स नहीं है, हमको एक्स के सापेक्ष करना है तो ये चल जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा कोसी डी एक्स, नीचे क्या आ जाएगा डी एक्स। अब बताओ डी साइन थ्री एक्स बटे डी एक्स, अब डी के बगल में कौन है साइन, तो साइन का सूत्र क्या होता है साइन का डीसी क्या होता है कॉस एक्स, तो एक्स के बगल में जे है से लिख देना है इस तरह से। डी के बगल में साइन एक्स है तो एक्स हम इतना को कह रहे हैं, डी के बगल में साइन एक्स तो साइन एक्स का डीसी क्या होता है कॉस एक्स, तो एक्स का है कितना है थ्री एक्स, थ्री एक्स लिख दिए गुणे। अब थ्री एक्स का डीसी तो हम बताए थे कि सी एक्स का डीसी सी होता है, सी एक्स का डीसी क्या होता है सी, ठीक उसी प्रकार थ्री एक्स का डीसी क्या हो जाएगा थ्री, इसी को सजा के लिख देंगे थ्री कॉस थ्री एक्स, थ्री कॉस थ्री एक्स, यही हो गया आंसर। किस रूल द्वारा बना, चेन रूल द्वारा। चेन रूल किसमें अप्लाई करते हैं कंपोजिट फंक्शन में, वैसे फलन जो दो फलनों के मिलाने से बनता है संयोजित करने से बनता है वैसे फंक्शन को संयोजन फंक्शन कहते हैं, कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि वैसे दो फलन जिसमें एक फलन का मान दूसरे फंक्शन के चर के स्थान पर रखने से जो प्राप्त होता है उसे कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। या फिर शॉर्ट में इस तरह से बोल सकते हैं कि यदि जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स दो फलन है तो गॉफ और फॉग को, गॉफ और फॉग को हम लोग कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। और कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव चेन रूल द्वारा, श्रृंखला नियम द्वारा ज्ञात करते हैं। तो श्रृंखला नियम द्वारा ज्ञात करने से पहले साइन के बगल में जे रहेगा तो त्रिकोणमितीय फलन के बगल में जे रहेगा वह नीचे आवेगा, कोई इनवर्स रहेगा इनवर्स के बगल में जे रहेगा वह नीचे आवेगा, लॉग के बगल में जे रहेगा वह नीचे आवेगा, ई के पावर जे रहेगा वह नीचे आवेगा, एक के पावर जे रहेगा वह नीचे आवेगा, रूट के अंदर जे रहेगा वह नीचे आवेगा। मतलब इस तरह से हम लोग चेन रूल का अप्लाई करते हैं, जैसा कि उदाहरण के साथ हम आप लोगों को समझाएं, इसको नोट कीजिए और हम उदाहरण लेकर समझाते हैं।
आगे देखते हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लिया जाए इस तरह से कोई सवाल रहेगा, मान लो कि दे दिया कि y बराबर साइन टेन एक्स है। y बराबर क्या है? साइन टेन एक्स। यह कंपोजिट फंक्शन है, इसको डेरिवेटिव ज्ञात करने के लिए चैन रूल हम अप्लाई कर रहे हैं। देखते हैं इसका हमको x के सापेक्ष डेरिवेटिव ज्ञात करना है और अवकलज ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, मतलब अवकलित करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर चाहे अवकलित करने पर, जिसे इंग्लिश में लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब y का dc तो हो जाएगा dy by dx। अब यहां पर d sin x ये रहेगा, इसको लिख देना है d, मतलब sin tan x है तो d sin tan x। अब यहां पर देखना, सबसे पहले तो d के बगल में कौन है sin, और sin के बगल में कौन है tan x। तो हम बताए थे कि किसी भी इसको मेन मान लिए, प्रधान इसको मान लिए, अब साइन के बगल में जे है तो साइन के बगल में क्या है टेन, और साइन त्रिकोणमितीय फलन है, और हम बताए थे कि किसी भी त्रिकोणमितीय फलन के बगल में जे रहेगा वह नीचे आ जाएगा, तो साइन के बगल में कौन है टेन एक्स, तो नीचे आ जाएगा क्या टेन एक्स, तो डी टेन एक्स। अब जो नीचे आएगा से ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि यह एक्स नहीं है, तो जब तक नीचे एक्स नहीं आएगा तब तक हम नीचे ऊपर करते रहेंगे, तो नीचे आया तो ऊपर जाएगा, तो डी टेन एक्स बटे। अब डी टेन, तो टेन के बगल में क्या है, तो टेन के बगल में क्या है एक्स, टेन के बगल में क्या है एक्स, तो नीचे आ जाएगा क्या डी एक्स, डी तो लगा हुआ रहेगा उसके बगल में जे रहेगा वो आ जाएगा। यहां पर साइन के बगल में क्या था टेन एक्स, तो डी टेन एक्स हुआ, यहां पर टेन के बगल में एक्स है तो नीचे आ गया क्या डी एक्स। ठीक है, अब वाई के डीसी क्या हो जाएगा वाई डैश। अब सूत्र अप्लाई कर देना है, हम बताए थे कि डी के बगल में जे रहेगा उसका हम सूत्र लिखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं डी के बगल में क्या है साइन, डी के बगल में कितना है साइन है, और ये पूरा को हम मान लिए एक्स, मतलब डी के बगल में हो गया साइन एक्स, ये पूरा को हम मान रहे हैं एक्स, तो डी के बगल में क्या है साइन एक्स, और हम जानते हैं कि साइन एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष क्या होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष क्या होता है कॉस एक्स, तो साइन का डीसी क्या हो जाएगा कॉस एक्स, तो एक्स क्या है टेन एक्स, तो टेन एक्स उतार दी। फिर से देखेंगे डी के बगल में जे रहेगा, सबसे पहले डी के सटले जे रहेगा उसका डेरिवेटिव लिखते हैं, उसका सूत्र लिखते हैं, उसका अवकलन लिखते हैं। ठीक है, तो डी के बगल में साइन है तो साइन का डीसी क्या होता है साइन का डीसी कॉस एक्स, एक्स का जे है इसको उतार दिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, डी के बगल में क्या है टेन, डी के बगल में क्या है टेन, तो टेन एक्स, तो टेन एक्स का डीसी होता है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स है तो एक्स से लिख दिए, यही हो गया आंसर। किस रूल द्वारा? चैन रूल द्वारा। किस रूल द्वारा? चैन रूल द्वारा। ठीक है, एक और उदाहरण लेकर हम लोग समझते हैं, इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए अब अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे इस तरह से सवाल रहेगा बाबू, जैसे मान लिया जाए कि y बराबर दे दिया tan log x^5। ध्यान से समझिएगा, y बराबर tan log x^5 कितना है 5 है, यह कंपोजिट फंक्शन है, इसको हम लोग डेरिवेटिव ज्ञात करना है, तो इसका अवकलज हम किसके द्वारा चैन रूल द्वारा ज्ञात करते हैं। देखिए हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज, मतलब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलित करने पर, अवकलन करने पर, तो y का डीसी हो जाएगा क्या dy/dx, y का डीसी क्या हो जाएगा dy/dx। अब ध्यान से देखिए, यहां पर चैन रूल पर हम तोड़ रहे हैं, d जे रहेगा इसको उतार देना है, d tan log x^5 जे था उसको उतार दिए। ठीक है, बटा d, अब d के बगल में tan है, टेन एक त्रिकोणमितीय फलन है, और हम बताए थे कि त्रिकोणमितीय फलन के बगल में जे रहता है वह क्या आता है नीचे आता है, तो त्रिकोणमितीय फलन टेन के बगल में क्या है log x^5, तो नीचे आ जाएगा log x^5।
फाइव, इसको पहलगा को छोड़ दिया, अब इसके बगल में जो है वह नीचे आ गया, अब नीचे आया तो ऊपर जाएगा, तो डी लॉग एक्स के पावर फाइव ऊपर चल गया बट ए। अब फिर अब याद कीजिए, हम बताए थे कि लॉग के बगल में जे रहता हुआ क्या आता है नीचे, तो नीचे आएगा डी। अब लॉग के बगल में क्या है, लॉग के बगल में क्या है एक्स के पावर फाइव, एक्स के पावर फाइव नीचे आ गया। डी के बगल में क्या है एक्स के पावर फाइव, तो नीचे आ गया डी एक्स के पावर फाइव हो गया। अब यह डी एक्स के पावर पांच एक्स नहीं है तो क्या करेंगे, फिर यह एक बार ऊपर जाएगा डी एक्स के पावर फाइव, डी एक्स के पावर फाइव बटा किसके पावर पांच है, हम बताए थे कि जिसके पावर रहता है जैसे साइन एक्स के पावर पांच है तो साइन एक्स नीचे आ जाता है, एक्स के पावर दस है तो एक्स नीचे आ जाता है, एक्स प्लस नौ के पावर दस है तो एक्स प्लस नौ नीचे आ जाएगा। मतलब जिसके पावर रहता है, जिसके पावर रहता है वह नीचे आ जाता है, तो एक्स के पावर है तो एक्स नीचे आ जाएगा, एक्स का पावर है तो एक्स क्या आ जाएगा नीचे। अब नीचे हमको डीएक्स मिली है ना, बस जब तक हमको नीचे डीएक्स नहीं मिले तब तक यह प्रोसेस अप्लाई करते रहना है, मतलब नीचे ऊपर इसका गुणांक नीचे फिर ऊपर जाएगा ऊपर और फिर नीचे आएगा, इस तरह से करते रहना है। कब तक, जब तक कि नीचे डीएक्स ना आ जाए। क्यों, क्योंकि हम लोग एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, अगर वाई के सापेक्ष करते तो डी वाई आने तक हम इंतजार करते, जब तक नीचे डीवाई नहीं आता तब तक उसको हम नीचे ऊपर करते रहते। हम यहाँ पर एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो नीचे हमको एक्स आना चाहिए था अर्थात डीएक्स, ठीक है। और वाई का डीसी क्या लिखेंगे, वाई डैश। अब डी के बगल में जे रहेगा उसका सूत्र लगा देना है, डी के बगल में जे रहेगा उसका क्या लगा देना है, सूत्र लगा देना है, ठीक है। तो डी के बगल में क्या है बाबू, टेन, डी के बगल में क्या है टेन, टेन एक्स, पूरा को हम एक्स मान लिए, डी टेन एक्स, टेन के बगल में क्या है, हम ये बताए थे कि डी के बगल में जे रहेगा उसका सूत्र रहेगा, तो डी के बगल में टेन है तो टेन का डीसी होता है क्या, टेन का डीसी सेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स के बगल में जे रहेगा वही लिख देना है, यानी कि लॉग एक्स के पावर फाइव, लॉग एक्स के पावर कितना फाइव। फिर तो देखिए यहां पर डी टेन एक्स, टेन एक्स मतलब पूरा को हम एक्स मान लिए, तो टेन एक्स का डीसी होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स किसको माने थे, लॉग एक्स के पावर फाइव, डायरेक्ट यही लिखना है, टेन के डीसी तो टेन के डीसी से स्क्वायर एक्स, तो एक्स कहते लिख दिए, ठीक है। अब डी के बगल में लॉग है, डी के बगल में क्या है लॉग, और लॉग एक्स का डीसी हम जानते हैं वन बाय एक्स, यहाँ पर लॉग एक्स, डी के बगल में लॉग है तो लॉग का सूत्र लगेगा, तो डी लॉग एक्स, एक्स किसको कह रहे हैं, एक्स के पावर फाइव को हम क्या कह रहे हैं, एक्स कह रहे हैं, ठीक है। तो लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डीसी होता है वन बाई एक्स, तो एक्स किसको हम बोले थे, एक्स के पावर फाइव को, तो एक्स पावर फाइव नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर डी एक्स के पावर फाइव बटा डी एक्स, मतलब एक्स के पावर एन पर है, एक्स के पावर एन पर, तो एक्स के पावर एन का डीसी होता है एन एक्स टू पावर एन माइनस वन, मतलब पावर को आगे कर देना है और पावरवा में से एक घटा देना है, तो पावरवा में से घटा देंगे तो यहाँ पांच है तो पांच में से घटा देंगे कितना हो जाएगा चार, पांच में से घटा देंगे कितना हो जाएगा चार, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, यहाँ पर एक्स के पावर पांच, यहाँ पर एक्स के पावर चार, पांच को में से चार को कट जाएगा नीचे के वो बचेगा एगो, पांच को में से चार को कट गया क्यों बचा नीचे एगो बचा, ठीक है। तो ये हो गया वाई डैश बराबर, इसको हम लिख सकते हैं सजा कर, से पांच है तो पांच को आगे कर दे रहे हैं, पांच सेक स्क्वायर लॉग एक्स के पावर फाइव, लॉग एक्स के पावर फाइव बटे, बटा में नीचे क्या बच गया पांच को में से चार हो गया था तो नीचे एक्स बच गया, यही हो गया आंसर। ये हो गया क्या आंसर, किस रूल द्वारा, चैन रूल द्वारा, चैन रूल द्वारा उपलब्ध कैसे फंक्शन का ज्ञात करते हैं, कंपोजिट फंक्शन का। कंपोजिट फंक्शन किसे कहेंगे, यदि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फलन हो तो फॉग और गॉफ को हम लोग कंपोजिट फंक्शन कहते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि दो फलनों के संयोजन से जिस फंक्शन का निर्माण होता है उसे कंपोजिट फंक्शन कहते हैं, और कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव चैन रूल द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, जिसे हिंदी में श्रृंखला नियम कहते हैं। इतना आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, जैसे मान लिया जाए इस तरह से रहेगा,
हम लोग देखते हैं, जैसे मान लिया जाए y बराबर दे दिया साइन स्क्वायर एक्स, y बराबर दे दिया साइन स्क्वायर एक्स, या फिर दे सकता है y बराबर दे दिया साइन के पावर 7 एक्स, ठीक है, साइन के पावर 7 एक्स, ठीक है। ये दोनों का डेरिवेटिव ज्ञात करना है x के सापेक्ष, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन, मतलब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलित करने पर डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलित करने पर, ठीक है। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलित करने हैं, तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं साइन x के पावर 7, सॉरी साइन x के पावर कितना 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब हम दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तब y के डीसी हो जाएगा dy by dx, y के डीसी हो जाएगा dy by dx। अब देखिए d sin x के पावर कितना है 2। अभी अभी हम क्या बताएं, याद कीजिए कि जिसके पावर रहता है वह नीचे आता है, तो ये जो 2 है किसके ऊपर है, साइन के ऊपर है, तो जिसके पावर रहता है वह नीचे आ जाएगा, तो किसके ऊपर पावर है, साइन एक्स पर, तो नीचे आ जाएगा साइन एक्स, नीचे का आ जाएगा साइन एक्स। अब नीचे आया साइन एक्स तो ऊपर जाएगा, तो डी साइन एक्स, डी साइन एक्स, साइन एक्स का बराबर में क्या है, साइन एक्स के बराबर में क्या है एक्स, तो नीचे आ जाएगा डी एक्स, नीचे क्या आ जाएगा डी एक्स। अब सूत्र लगा दीजिए, तो वाई का डीसी हो गया वाई डैश। अब यहां पर साइन एक्स के पावर 2, तो हम देख रहे हैं कि एक्स के पावर एन पर है, एक्स के पावर एन पर है, तो जब एक्स के पावर एन पर है तो क्या करते हैं, पावरवा को आगे लाते हैं, तो पावर आगे आ जाएगा। अब पावरवा में से एक घटा देंगे, पावरवा में से एक घटा देंगे, तो 2 में से एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1, 2 में से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। एक्स के पावर एन पर टूट जाएगी, एक्स के पावर एन का डेरिवेटिव होता है एन एक्स टू पावर एन माइनस 1। अब यहां पर देखते हैं डी साइन एक्स, तो डी के बगल में क्या है साइन एक्स, डी के बगल में क्या है साइन एक्स, डी के बगल में साइन एक्स है, तो हम बताए थे कि डी के बगल में जे रहेगा उसका सूत्र लगाना है, तो डी के बगल में साइन है, तो साइन का सूत्र क्या होता है, मतलब साइन का डीसी क्या होता है कॉस एक्स, एक्स के बगल में एक्स है, ऐसे लिख दिए साइन एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष क्या होता है कॉस एक्स। इसी को हम सजा कर लिख सकते हैं वाई डैस बराबर 2 साइन एक्स के पावर 1, साइन एक्स के पावर 1, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या साइन एक्स, एक्स के पावर 1 को हम एक्स लिख सकते हैं, वाई के पावर 1 को वाई लिख सकते हैं, तो साइन एक्स के पावर 1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं साइन एक्स, इंटू में क्या है कॉस एक्स। इतना पर भी छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इसका और 11th क्लास में आप लोग सूत्र पढ़े थे 2 साइन थीटा, मतलब 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर साइन 2 एक्स, मतलब साइन 2 थीटा बराबर पढ़ा था सूत्र 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर हम लिख सकते हैं साइन 2 एक्स। तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स का डीसी, साइन स्क्वायर एक्स का डीसी साइन 2 एक्स होता है, या फिर बोल सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का डीसी 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। इसको ठीक उसी प्रकार देखते हैं, तो एक स्टेप इसको ऐसे पहले लिख देंगे हम साइन एक्स के द होल पावर 7, साइन एक्स के द होल पावर कितना 7, ठीक है। अब इसको हम लोगों को डेरिवेटिव ज्ञात करना है, तो दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहां पर लिख देना है दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो वाई का डीसी क्या हो जाएगा, वाई का डीसी होगा डीवाई बाई डीएक्स, वाई का डीसी होगा डीवाई बाई डीएक्स। अब क्या करेंगे डी साइन एक्स के पावर 7, डी साइन एक्स के पावर कितना 7, तो किसके पावर 7 है साइन एक्स के, तो हम बताए थे कि जिसके पावर रहता है, जिसके पावर रहेगा वह नीचे आएगा, तो साइन एक्स के पावर है तो साइन एक्स क्या आ जाएगा नीचे, साइन एक्स क्या आ जाएगा नीचे। अब नीचे आएगा तो क्या चल जाएगा ऊपर, नीचे आएगा तो ऊपर चल जाएगा, तो डी साइन एक्स ऊपर चल गया। अब डी के बगल में साइन है, और साइन एक त्रिकोणमितीय फलन है,
अब त्रिकोणमितीय फलन के बगल वाला जो रहता है नीचे आता है, तो साइन के बगल में क्या है एक्स, साइन के बगल में क्या है एक्स, तो एक्स आ जाएगा नीचे, अर्थात हमको एक्स के सापेक्ष करना था तो हमको नीचे मिल गया डी एक्स, यहीं पर एंड करेंगे। अब इधर हम सूत्र लगा लेंगे, ठीक है, तो एक टूटेगा एक्स के पावर एन पर, एक्स के पावर एन पर, तो एक्स के पावर एन का डीसी होता है पावरवा आगे कर देना है, तो पावरवा को हम आगे कर दिए, पावर को क्या कर दिए आगे, और पावर में से एक घटा देना है तो सात में से एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा छ, सात में से घटाएंगे क्या हो जाएगा छ। अब डी के बगल में क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स का डीसी क्या होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का डीसी क्या होता है कॉस एक्स, लिख दिए। अब वाई डैश बराबर इसी को हम लिख सकते हैं सात साइन एक्स के पावर छ, तो इसको लिख सकते हैं साइन के पावर छ एक्स इंटू कॉस एक्स, यही हो गया डेरिवेटिव, यही निकल गया हमको अवकलज, इतना का अवकलज इतना होगा, साइन के पावर सात एक्स का अवकलज सात साइन के पावर छ एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, ठीक है, इतना आप लोग नोट कीजिए। मान लिया जाए y बराबर दिया हुआ है log tan x, log ax प्लस बी, यहां पर दिया हुआ है log tan ax प्लस बी, यह एक कंपोजिट फंक्शन है जिसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करना है x के सापेक्ष, तो क्या लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लिख देना है पूरा पूरा, ठीक है। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy by dx, dy by dx, अब यहां पर d log tan ax plus b, x plus b, अब log के बगल में जो है वो पहले नीचे आ जाएगा, log के बगल में जो है वो नीचे आ जाएगा, तो d log के बगल में जितना है, तो log के बगल में है tan ax plus b, ये नीचे आया, ये नीचे आया तो फिर ऊपर भी जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा d tan ax plus b। अब tan के बगल में, tan के बगल में कितना है x plus b, तो नीचे आ जाएगा ax plus b, अब नीचे आए तो ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा d ax plus b बटे, अब ध्यान देंगे ये x plus b को हम x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो बटा हम क्या लिख दिए dx, या फिर कोई बहुपद फलन यहां पर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस तीन, तो नीचे लिख देना है क्या dx, ठीक है। अब स्वग्रोह सूत्र लगा देना है, d के बगल में log है, d के बगल में क्या है log, तो d के बगल में log है तो log का dc, तो log x का dc, पूरा को हम x मान ले रहे हैं, तो log x, log x का dc होता है वन बाई एक्स, log x का dc वन बाई एक्स, तो वन बाई एक्स, तो x कितना है tan एक्स प्लस बी गुने, अब d के बगल में tan है तो tan x, पूरा को x मान लिए, तो d के बगल में tan है तो tan x का dc, तो tan x का dc हम पिछले वीडियो में बताए थे कि tan x का dc क्या होता है sec स्क्वायर x, तो x क्या कितना हो जाएगा ax प्लस बी, ax प्लस बी, ठीक है। अब इधर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ax, तो सी एक्स का डीसी सी, तो ए एक्स का डीसी क्या होगा ए हो जाएगा, तो सी एक्स का डीसी सी, पहले इसको यू प्लस वी पर, तो यू का डीसी जोड़ वी का डीसी, तो यू है एक्स, तो एक्स मतलब सी एक्स हो गई, तो सी एक्स का डीसी क्या होता है सी, आप प्लस बी, तो बी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डीसी क्या होता है जीरो, कांस्टेंट का डीसी क्या होता है जीरो, इसी को सजा के हम लिख देंगे वाई डैश बराबर, ये तो c में जीरो जोड़ेंगे तो c ही रहेगा ना, तो इसको सजा के लिख देना ऊपर हो जाएगा c, c गुने sec स्क्वायर x प्लस बी बटा में आ जाएगा tan ax प्लस बी, यही हो गया आंसर, ठीक है। इस कंपोजिट फंक्शन का चैन रूल से हम डिफ्रेंशिएट ज्ञात किए, ठीक है, उतारिए इसको, फिर आगे चलते हैं हम लोग, अगला उदाहरण देखते हैं, इसको नोट कीजिए, चलिए देखते हैं अगला उदाहरण। जैसे कि मान लिया जाए अब हम लेते हैं रूट वाला, रूट के अंदर वाला रहेगा तो किस तरह से हल करेंगे, या फिर इस तरह से एक और हम ले लेते हैं, जैसे कि मान लिया जाए
कि y बराबर e के पावर साइन एक्स है, y बराबर e के पावर क्या है साइन एक्स है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा इधर dy बाई dx, dy बाई dx, इधर हो जाएगा de टू द पावर साइन एक्स, de टू द पावर क्या साइन एक्स। अब e के पावर क्या है, तो e के पावर साइन एक्स है, तो हम बताए कि e के पावर जो रहेगा वो नीचे आएगा, तो e के पावर साइन एक्स है तो साइन एक्स नीचे आ जाएगा, तो d साइन एक्स नीचे आया, अब नीचे आया तो ऊपर चल जाएगा, तो d साइन एक्स बटे क्या dx, d साइन एक्स बटे dx। अब यही पर यहां पर सूत्र लगा दीजिए, e के पावर x, पूरा हम x कह रहे हैं, तो e के पावर x का डीसी होता है e के पावर x, तो x का क्या है साइन एक्स, e के पावर x का डीसी e के पावर x गुणे d साइन एक्स, तो साइन एक्स का डीसी हो जाता है क्या कॉस एक्स, साइन एक्स का डीसी क्या होता है कॉस एक्स, यही हो गया आंसर, ठीक है। इससे पहले मैं एक इस तरह से उदाहरण लिए थे साइन स्क्वायर एक्स का डीसी, तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का डीसी पावर वन आगे आएगा और एक घट जाएगा, केकर पावर दू है तो साइन का पावर, तो साइन नीचे आता तो साइन का डीसी हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट कॉस एक्स, या फिर इस तरह से देता साइन क्यू एक्स, इसका अगर डीसी कहता तो पावर नीचे उतारेंगे, पावर में से घटाएंगे तो तीन में से एक जाएगा तो दू, तो थ्री साइन स्क्वायर एक्स, अब किसको पावर तीन है तो साइन पर, तो नीचे साइन आता तो नीचे साइन आता तो साइन का डीसी क्या हो जाता है कॉस एक्स, इसको भी डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर दे दिया मान लिया जाए कि साइन फोर एक्स का डीसी, तो क्या करेंगे पावर को आगे उतार देना है, पावर को आगे उतार देना है घटा देना है, तो चार में से घट जाएगा थ्री एक्स, अब साइन तो साइन का डीसी क्या हो जाएगा कॉस। इस तरह से अगर याद कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं अच्छी तरह से, तो कैलकुलेशन में बहुत सुविधा होगा, डायरेक्ट इतना को इतना मान लिख सकते हैं, इतना का मान इतना लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जैसे अभी बोले कि रूट के अंदर रहेगा तो कैसे बनेगा, जैसे कि मान लिया जाए इस तरह से रहेगा, मान लिया जाए वाई बराबर रूट साइन साइन कॉस साइन कॉस एक्स क्यू, वाई बराबर रूट अंडर साइन कॉस एक्स क्यू, इसको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के सापेक्ष, तो क्या करेंगे दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर, एक चैन रूल हम बता रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में आएगा, जब एक्सरसाइज हम लोग बनाएंगे तो और कॉन्फिडेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है, अच्छा हो जाएगा। चलिए तो इसको हम देखेंगे डीवाई बाई क्या डी एक्स, अब इधर हो जाएगा डी रूट अंडर साइन कॉस एक्स क्यू, और हम क्या बोले थे कि रूट के अंदर जे रहता है नीचे आता है, तो रूट के अंदर इतना ही आ जाएगा नीचे, तो नीचे आ जाएगा डी साइन कॉस एक्स क्यू, नीचे आएगा, अब नीचे आएगा से ऊपर जाएगा, जो नीचे आएगा से कल चल जाएगा कहां ऊपर, तो ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा डी साइन एक्स साइन डी साइन कॉस एक्स क्यू अबर्ट डी, अब साइन के बगल में क्या है तो कॉस एक्स क्यू, तो नीचे आ जाएगा कॉस एक्स क्यू, ये पहला धर नहीं मूल हो गया, अब इसके बगल में जो रहेगा वो नीचे आएगा, अभी नीचे आए तो फिर ऊपर चल जाएगा, तो डी कॉस एक्स क्यू बट डी कॉस एक्स क्यू बट, अब डी के बगल में कॉस तो कॉस एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसके बगल में क्या है एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू आ जाएगा नीचे और फिर चल जाएगा ऊपर, एक्स क्यू मतलब एक्स के पावर है, तो नीचे आ जाएगा क्या डी एक्स, ठीक है, यही है चैन रूल। अब वाई के डीसी करेंगे तो क्या हो गया वाई डेस, अब डी के बगल में रहेगा उसका सूत्र, तो डी के बगल में रूट एक्स है, पूरा हम एक्स मान लिए, तो डी के बगल में रूट एक्स, और हम जानते हैं रूट एक्स का डीसी वन बाय टू रूट एक्स, एक्स का क्या था एक्स का पूरा लिख देना है साइन कॉस एक्स क्यू, साइन कॉस एक्स क्यू रूट एक्स, रूट एक्स का डीसी होता है वन बाय टू रूट एक्स, रूट एक्स का डीसी वन बाय टू रूट एक्स, ठीक है। अब एक्स जो पूरा हम लिख देना है, देखिए हम यहां पढ़ते क्या है रूट एक्स, पूरा को हम एक्स पढ़ रहे हैं,
तो रूट एक्स का डीसी होता है 1/2 रूट एक्स। तो एक्स किसको पढ़े, त्रिपुरा को, त्रिपुरा लिख दिए। अब यहाँ पे डी के बगल में साइन है तो साइन का डेरिवेटिव लगेगा, मतलब साइन का सूत्र रहेगा। तो साइन का, साइन एक्स का डीसी क्या होता है, पूरा को एक्स मान लिए, पूरा का मान लिए एक्स, तो साइन एक्स, तो साइन एक्स का सूत्र होता है, मतलब साइन एक्स का डीसी होता है कॉस एक्स। तो एक्स का जो है पूरा लिख दीजिए कॉस एक्स क्यू, साइन का डीसी कॉस, साइन का डीसी कॉस, साइन का डीसी कॉस एक्स। तो एक्स का जो है सही लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे डी के बगल में कॉस, कॉस का डीसी होता है माइनस साइन एक्स, एक्स का कितना है एक्स क्यू, तो यहाँ पे एक्स क्यू लिख देंगे। डी के बगल में जे रहेगा उसका सूत्र लगाना है, तो डी के बगल में कॉस है तो कॉस का सूत्र, तो कॉस का डीसी होता है क्या माइनस साइन, कॉस का डीसी होता है माइनस साइन, कॉस का डीसी होता है माइनस साइन एक्स। तो एक्स का एक्स क्यू होता है एक्स क्यू लिख दी। अब यहाँ पर एक्स क्यू का डीसी, तो एक्स के पावर एन पर इसको तोड़ देंगे, पावर को नीचे लावेंगे और पावरवा में से एक घटा देंगे, तो तीन में से घट जाए कितना हो जाएगा दो, यही हो गया आंसर। इसको सजा के भी हम लोग लिख सकते हैं, तो सजा के लिखेंगे तो क्या होगा, नीचे दो है और यहाँ पर तीन है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस तीन बटे दो को आगे कर दिए, माइनस तीन बटे दो गुने ऊपर क्या क्या बच गया, ऊपर बच गया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉस कॉस एक्स क्यू इंटू इंटू साइन एक्स क्यू बटा में ये वाला हो जाएगा रूट अंडर साइन कॉस एक्स क्यू, यही हो गया आंसर, ठीक है। इतना आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, ये सबको एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आराम से एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। केवल चैन रूल कैसे अप्लाई होता है ये बता रहे हैं, एक्सरसाइज हम फुल्ली क्लियर करवाएंगे। जैसे मान लिया जाए कि एक और क्वेश्चन इस तरह से है, y बराबर दे दिया, y बराबर log रूट एक्स, y बराबर log रूट एक्स, इसको हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है x के सापेक्ष, तो क्या करेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यह हो जाएगा dy by dx, dy by dx बराबर आ जाएगा d log रूट एक्स बटे। अब लॉग के बगल में क्या है, लॉग के बगल में क्या है तो रूट एक्स है, तो रूट एक्स नीचे आ जाएगा, लॉग के बगल में क्या है रूट एक्स, तो रूट एक्स आ गया नीचे, अब नीचे आएगा तो ऊपर चल जाएगा, तो डी रूट एक्स, अब रूट के अंदर क्या है तो रूट के अंदर एक्स है तो नीचे आ जाएगा क्या डी एक्स, रूट के अंदर एक्स है तो नीचे आ गया क्या डी एक्स। अब वाई के डीसी हमने लिख दिया हमने क्या वाई डेस, अब डी के बगल में क्या है लॉग, तो लॉग एक्स का डीसी होता है 1/x, एक्स का यहाँ पर क्या है रूट एक्स, यहाँ पर रूट एक्स लिख दिए, ध्यान से समझिएगा लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डीसी होता है 1/x, लॉग एक्स का डीसी होता है 1/x, तो एक्स किसको है रूट एक्स के, यहाँ हो गया रूट एक्स, ठीक है। अब बताओ रूट एक्स का डीसी, तो हम बताए हैं पिछले वीडियो में रूट एक्स के डीसी होता है 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डीसी होता है 1/2 रूट एक्स, इसी को हम हल कर देंगे, एक में एक से गुना करेंगे तो एक हो जाएगा, ये हो गया दो, और रूट एक्स में रूट एक्स से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है एक्स, रूट ए में रूट ए से गुना करेंगे तो ए, रूट बी में रूट बी से गुना करेंगे तो बी, रूट एक्स में रूट एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स, काहे रूट ए में रूट ए से गुना करेंगे तो रूट ए के स्क्वायर, काहे कि एक्स में एक्स से गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर, वाई में वाई से गुना तो वाई स्क्वायर, तो रूट ए में रूट ए से गुना तो रूट ए के स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट करके क्या हो जाएगा ए, ठीक उसी प्रकार रूट एक्स में रूट एक्स से तो रूट एक्स के स्क्वायर, अब स्क्वायर से रूट करके क्या हो जाता है एक्स, कहने का मतलब है रूट एक्स में रूट एक्स से हम लोग गुना करेंगे तो क्या मिल जाता है हमको एक्स, ए हो गया 1/2 एक्स, ठीक है। इतना आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे उदाहरण लेते हैं, सामान लिया जाए, इस तरह से सवाल है, एक इनवर्स वाला लेते हैं, समान लिया जाए कि y बराबर दिया हुआ है y बराबर साइन इनवर्स 3x, y बराबर है साइन इनवर्स 3x, ठीक है। तो इसको दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या कर देना है डिफ्रेंशिएट कर देना है,
तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स डी साइन इनवर्स थ्री एक्स, डी साइन इनवर्स थ्री एक्स। अब साइन इनवर्स मतलब प्रतिलोम फलन के बगल में जे रहे वो नीचे आवेगा, तो साइन इनवर्स के बगल में क्या थ्री एक्स, तो नीचे आ जाएगा क्या थ्री एक्स नीचे आवेगा, जब नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा, तो डी थ्री एक्स बटे क्या हो जाएगा डी एक्स। यहां पर कोई बहुपद फलन मिले ना तो नीचे क्या लिखना है डी एक्स, ठीक है। अब वाई के डी सी वाई डैश हो गया, अब डी के बगल में क्या है साइन इनवर्स, डी के बगल में क्या है साइन इनवर्स, तो यहां पर देखिए साइन इनवर्स एक्स का डीसी होता है वन बटे रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का डीसी होता है वन बटे रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर देखिए साइन इनवर्स एक्स का डीसी वन बटे रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के हाँ कितना है थ्री एक्स है, तो थ्री एक्स के दोहल स्क्वायर, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का डीसी होता है वन बटे रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के यहाँ कितना है थ्री एक्स, तो यहाँ पर थ्री एक्स लिख दिए गुने। अब यहाँ थ्री एक्स का डीसी क्या होगा तीन, सी एक्स का डीसी सी, टू एक्स का डीसी टू, थ्री एक्स का डीसी थ्री, तो थ्री कॉन्स्टेंट है कॉमन करेंगे, आई एक्स का डीसी क्या होता है वन, तो तीन में वन से गुना करेंगे तो तीन ही ना होगा, ठीक है। इसी को हम सजा कर लिख देंगे तीन बटे रूट अंडर वन माइनस तीन के स्क्वायर, तो तीन दिया नौ, तीन के स्क्वायर तीन दिया नौ हो जाएगा, तो नौ एक्स स्क्वायर, यही हो गया आंसर, ठीक है। साइन इनवर्स थ्री एक्स का डीसी हुआ, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं एक आधो ए पर, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए इस तरह से रहेगा, मान लिया जाए कि y बराबर दे दिया इके पावर एक्स क्यू, इके पावर एक्स क्यू, या फिर एगो दे दिया y बराबर इके पावर रूट साइन एक्स, इके पावर रूट साइन एक्स। ये दोनों को हम क्या कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये क्या हो जाएगा dy बाय dx बराबर, यहां पर लिखेंगे d e टू डी पावर एक्स क्यू बटे e के पावर क्या है एक्स क्यू है, e के पावर क्या है एक्स क्यू, तो एक्स क्यू नीचे आएगा, अब नीचे आएगा तो क्या जाएगा ऊपर जाएगा, तो डी एक्स क्यू बटे क्या हो जाएगा dx, एक्स क्यू क्योंकि x के पावर है, तो जिसके पावर वो नीचे आता है, यहां साइन के पावर होता तो साइन नीचे आता है, एक्स के पावर है तो एक्स क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं बहुपद फलन है तो बहुपद फलन तो नीचे क्या हो जाता है डी एक्स हो जाता है। तो वाई का डीसी हो गया क्या वाई डैश, अब ई डी के बगल में है तो ई के पावर एक्स का डीसी, तो ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स का डीसी, ई के पावर एक्स पूरा को एक्स कह रहे हैं, तो ई के पावर एक्स का डीसी ई के पावर एक्स, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स के पावर एन पर पावरवा नीचे आ जाएगा, अब पावरवा में से एक घट जाएगा, तो तीन नीचे आया और तीन में से एक घटेगा तो क्या हो जाएगा दो हो जाएगा, ठीक है। इसको देखते हैं दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब ई टू डी पावर रूट साइन एक्स है तो लिखेंगे डी ई टू डी पावर रूट साइन एक्स। अब हम क्या बोले हैं ई के पावर जे रहे, ई के पावर जे रहे वो क्या आएगा नीचे आएगा, तो नीचे आ जाएगा डी रूट साइन एक्स, अब नीचे आया से ऊपर जाएगा तो चल जाएगा डी रूट साइन एक्स, अब बटे क्या बटे अब रूट के अंदर वाला, यहां पर देखिए ई के पावर रूट साइन एक्स था तो रूट साइन एक्स नीचे आया, नीचे आया तो ऊपर जाएगा, अब रूट के अंदर क्या है साइन एक्स है, रूट के अंदर क्या है साइन एक्स, तो नीचे आ जाएगा क्या डी साइन एक्स, अब नीचे डी साइन एक्स आया तो फिर ऊपर जाएगा, तो डी साइन एक्स बटे क्या लिखेंगे डी एक्स, डी साइन एक्स बटे क्या लिखेंगे डी एक्स, ठीक है। अब वाई डैश ये हो गया, अब ई डी के बगल में ई है ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स का डीसी होता है ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स का डीसी ई के पावर एक्स, तो एक्स क्या हो जाएगा e टू डी पावर क्या साइन एक्स गुने, अब d के बगल में क्या है रूट एक्स, रूट साइन एक्स है तो साइन एक्स को एक्स मान ले रहे हैं, तो d के बगल में है रूट एक्स, और रूट एक्स के सूत्र होता है वन बटे टू रूट एक्स,
रूट एक्स का डीसी होता है 1/2√x, तो 1/2√x, तो x क्या है साइन एक्स, ठीक है। अब आ गया डी साइन एक्स बटा डी एक्स, तो साइन एक्स का डीसी हम क्या जानते हैं कॉस एक्स, साइन एक्स का डीसी क्या होता है कॉस एक्स, इसी को हम सजा के लिख सकते हैं वाई डैश बराबर हो जाएगा साइन एक्स इंटू क्या कॉस एक्स बटे 2√sin x, 2√sin x, ठीक है। इतना आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ और उदाहरण लेकर देखते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि y बराबर √cot√tan x है, ठीक है। y बराबर √cot√tan x है, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के सापेक्ष, तो क्या करेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या कर देंगे अवकलन कर देंगे, तो y का डीसी क्या हो जाएगा dy/dx, y का डीसी क्या हो जाएगा dy/dx। अब क्या करेंगे √ इसमें का तो पूरा क्वेश्चन लिखना है √cot√tan x पूरा लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे d, अब रूट के अंदर जो है उसको उतार देंगे, तो इस रूट के अंदर जो सबसे बड़ा रूट है उस रूट के अंदर जो है उसको उतार दिए, तो नीचे उतर जाएगा क्या cot√tan x। अब जो नीचे ऐसे फिर ऊपर जाएगा d cot√tan x, अब cot के बगल में जो है से नीचे आएगा, तो cot के बगल में क्या है cot के बगल में है √tan x, तो √tan x नीचे आ जाएगा, क्यों क्योंकि बताया जाए किसी भी निष्पत्ति के बगल में जे रहता है वो नीचे आता है, तो इसके बगल में √tan x है तो नीचे आ गया, फिर ऊपर चल जाएगा ये हो जाएगा √tan x बट फिर रूट के अंदर क्या है रूट के अंदर tan x है तो नीचे आ जाएगा क्या tan x, फिर ऊपर जाएगा तो d tan x बटे tan के बगल में क्या है x, तो नीचे क्या हो जाएगा dx। यही चैन रूल से इसको हम सेपरेट कर दिए, अब इसको हम डीसी करते हैं मतलब सूत्र लगा दे रहे हैं, तो डी के बगल में जे रहेगा उसका सूत्र, तो डी के बगल में रूट है, डी के बगल में क्या है रूट, तो √x पूरा को हम x मान ले रहे हैं, ठीक है √x, तो √x का डीसी होता है 1/2√x, √x कहीं भी आए रूट अंडर कुछ हो तो √x का डीसी 1/2√x, तो √x का डीसी 1/2√x, एक्स क्या हो जाएगा cot√tan x, ठीक है। अब d के बगल में क्या है cot, d के बगल में क्या cot, तो cot x का डीसी, तो cot x का डीसी क्या बताए थे -cosec² x, d के बगल में cot है ना, तो cot x पूरा को x मान लिए, तो cot x का डीसी होता है -cosec² x, तो x क्या है √tan x, ये लिख दिए, ठीक है। अब अगला देखेंगे, तो अगला है d के बगल में रूट है ना, तो √x पूरा को x मान लिए, तो √x का सूत्र होता है मतलब √x का डीसी होता है 1/2√x, √x का डीसी होता है 1/2√x, तो 1/2√x, तो 1/2√x, तो यानी कि हो जाएगा ये tan x, ठीक है। फिर वहां पर आ गया d tan x, तो d के बगल में tan है, तो tan का डीसी, तो tan के डीसी होता है sec² x, tan का डीसी क्या होता है sec² x, इसी को हम सजा कर लिख देंगे, ठीक है। तो इसको हम सजा के लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ऊपर में हो जाएगा माइनस cosec² √tan x इंटू sec² x, नीचे 2 × 2 = 4, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं √cot√tan x अब गुना में ये वाला हो जाएगा √tan x, यही हो गया आंसर, ठीक है। एक और उदाहरण लेकर समझते हैं, जैसे कि मान लिया जाए एक और उदाहरण लेते हैं,
जैसा कि मान लेते हैं कि वाई बराबर सेक टेन रूट एक्स है, सेक टेन रूट एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है दोनों तरफ किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डीवाई बाय डी एक्स, डीवाई बाय डी एक्स बराबर डी सेक टेन रूट एक्स बटे डी। अब डी के बगल में क्या है, सेक एक्स, सेक एक्स त्रिकोणमितीय फलन है, तो इसके बगल में जो रहेगा से नीचे आ जाएगा, तो सेक एक्स के बगल में ये है इतना है, तो ये आ जाएगा टेन रूट एक्स, नीचे आ जाएगा, जब नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो टेन रूट एक्स अबटे डी। अब टेन त्रिकोणमितीय फलन, तो इसके बगल में क्या है, रूट एक्स है, तो नीचे आ जाएगा रूट एक्स, अब नीचे आए तो ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा डी रूट एक्स, और रूट के अंदर क्या है, एक्स है, तो नीचे क्या हो जाएगा, डी एक्स, ठीक है। अब वाई के डीसी हो जाएगा वाई डैश, अब इसी को सूत्र लिखते हैं, डी के बगल में सेक है, डी के बगल में क्या है, सेक, तो सेक एक्स का डीसी होता है सेक एक्स, एक्स क्या है पूरा लिख देंगे, सेक एक्स, तो ये पूरा हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का डीसी इतना होता है, सेक एक्स का डीसी सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एक्स क्या है टेन रूट एक्स, ध्यान से समझिएगा, सेक एक्स का डीसी पूरा को एक्स मान ले रहे हैं, तो ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, तो सेक एक्स का डीसी होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स कही रख दिए इंटू टेन एक्स कही रख दिए, ठीक है। अगला है डी के बगल में टेन, तो टेन एक्स का डीसी होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स का क्या है रूट एक्स। डी के बगल में टेन है, तो डी के बगल में जे रहेगा उसका सूत्र लगा देना है, तो डी के बगल में टेन है तो टेन का डीसी होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स रूट एक्स हो गया। अब आ गया डी रूट एक्स, मतलब रूट एक्स का डीसी, तो रूट एक्स का डीसी होता है वन बाय टू रूट एक्स, रूट एक्स का डीसी वन बाय टू रूट एक्स, और इसी को हम लोग सजा कर लिख देंगे, तो वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा sec x tan रूट एक्स गुने tan tan रूट एक्स गुने sec स्क्वायर रूट एक्स बटा में आ जाएगा टू रूट एक्स, ठीक है। यही हो गया आंसर, ठीक है। अगर यहां पर नहीं हो तो कुछ आगे ही बढ़ सकते हैं, त्रिकोणमितीय सूत्र लगाकर कुछ आगे ही बढ़ा जा सकता है, ठीक है। y बराबर sin एक्स के पावर पांच प्लस छ है, ठीक है। वाई बराबर साइन एक्स के पावर पांच प्लस छ है, ठीक है। इसको दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो वाई के डीसी क्या हो जाएगा, डीवाई बाई डीवाई बाई डी एक्स। अब इसका करेंगे तो डी साइन एक्स के पावर पांच प्लस छ बटे डी। अब साइन के बगल में क्या है, साइन के बगल में एक्स के पावर पांच, हम बताए थे कि जिसके मतलब किसी भी निष्पत्ति के बगल में जो रहेगा वो नीचे आएगा, तो नीचे आ जाएगा एक्स के पावर पांच प्लस छ। अब नीचे आए तो ऊपर चल जाएगा, तो डी एक्स के पावर फाइव प्लस छ। अब यह अभी फंक्शन है, बीजगणितीय है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि नीचे डायरेक्ट क्या लान देंगे, डी एक्स। जब कोई बहुपद फलन मिले तो नीचे क्या करना है, डी एक्स करना है, मतलब एक्स के सापेक्ष हम निकालना है। तब तो डी वाई बाई डी एक्स को हम वाई डैश भी लिख सकते हैं। अब डी के बगल में क्या है, साइन, डी के बगल में क्या है, साइन, तो साइन एक्स का डीसी होता है कॉस एक्स, तो एक्स पूरा हो जाएगा एक्स के पावर फाइव प्लस छ, ठीक है। और इसको यू प्लस वी पर, तो यू के डीसी जोड़ वी के डीसी, एक्स के पावर पांच का डीसी जोड़ छ का डीसी, तो एक्स के पावर पांच का डीसी करेंगे तो पावर वन नीचे एक घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा चार, पांच नीचे पांच में से घट जाएगा चार, और ये छ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, जीरो होता है। इसी को सजा के हम ली देंगे, तो पांच एक्स के पावर चार में जीरो जोड़ेंगे तो यही रह जाएगा पांच एक्स के पावर चार कॉस एक्स के पावर पांच प्लस छ, यही हो गया आंसर, ठीक है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकल गया, अवकलज निकल गया, किस रूल से, चैन रूल से, क्यों, क्योंकि यह कंपोजिट फंक्शन है और कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग चैन रूल से ज्ञात करते हैं, ठीक है। इतना आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद आगे लेते हैं।
चलिए देखते हैं अगला हिसाब देखते हैं। जैसे मान लिया जाए इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा वाई बराबर रूट अंडर कॉट सी एक्स प्लस डी, कॉट सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो इधर हो जाएगा डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे इधर, डी रूट अंडर कॉट सी एक्स कॉट सी एक्स प्लस डी। और हम अभी क्या बताए थे कि जो रूट के अंदर जे रहता है वो नीचे आता है, तो रूट के अंदर जो है उसको नीचे लान देंगे, तो रूट के अंदर में क्या है कॉट सी एक्स प्लस डी, तो कॉट सी एक्स प्लस डी नीचे लान दिए। अभी नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा, तो डी कॉट सी एक्स प्लस डी बटे, अब कॉट के बगल में क्या है, कॉट के बगल में कॉट त्रिकोणमितीय फलन है, इसके बगल में जे है वो आ जाएगा नीचे, तो सी एक्स प्लस डी नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ऊपर चल जाएगा, तो सी एक्स प्लस डी ऊपर चल गया, सी एक्स प्लस डी ऊपर चल गया, नीचे क्या लिखेंगे डी एक्स, नीचे क्या लिखेंगे डी एक्स। अब यहां वाई डैश भी लिख सकते हैं, अब डी के बगल में रूट एक्स, ये पूरा को एक्स मान रहे हैं, तो डी के बगल में रूट एक्स, और रूट एक्स के डीसी होता है वन बाई टू रूट एक्स, रूट एक्स के डीसी होता है वन बाई टू रूट एक्स, तो एक्स यहां क्या है कॉट सी एक्स प्लस डी, कॉट सी एक्स प्लस डी। अब डी के बगल में कॉट है, तो कॉट का डीसी होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स पूरा लिख देंगे सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब इसको यू प्लस वी पर, तो यू के डीसी जोड़ वी के डीसी, तो सी एक्स के डीसी क्या होता है सी, और डी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट डीसी क्या हो जाएगा जीरो, इसी को सजा कर ली देंगे, तो वाई डैस बराबर क्या हो जाएगा, सी को आगे कर रहे हैं इस तरह से लिखेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर सी एक्स प्लस डी गुने सी बटे टू रूट अंडर कॉट सी एक्स प्लस डी। ठीक है, यही हो गया आंसर, हो गया अवकलज निकल गए। ठीक है, इतना नोट कीजिए, उसके बाद आगे उदाहरण लेते हैं, और चैन रूल उदाहरण से ही स्पष्ट होगा। ठीक ना, जितना ज्यादा उदाहरण रहेगा उतने ज्यादा स्पष्टीकरण ज्यादा होगा, क्लियर ज्यादा होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा चैन रूल में। ठीक है, एक और लास्ट हिसाब लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि वाई बराबर टेन टू एक्स प्लस पांच के द होल क्यू है, टू एक्स प्लस पांच के द होल क्या है क्यू है, इसको हमको दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष क्या करना है अवकलन करना है, तो क्या हो जाएगा डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स बराबर लिखेंगे डी टेन टू एक्स प्लस फाइव के द होल क्यू बटे, अब डी के बगल में टेन है, टेन त्रिकोणमितीय फलन है, और त्रिकोणमितीय फलन के बगल में जे रहता है वह नीचे आता है, तो हो जाएगा टू एक्स प्लस फाइव नीचे आया, ये नीचे आया तो ऊपर जाएगा, तो डी टू एक्स प्लस फाइव के द होल क्यू। अब यहां पर देखना है इसके पावर तीन है, तो जिसको पर पावर रहता है वह नीचे आता है, तो नीचे आ जाएगा क्या टू एक्स प्लस फाइव, नीचे आएगा फिर ऊपर चल जाएगा, तो टू एक्स प्लस फाइव एक बहुपद फलन है, तो बहुपद फलन है तो नीचे क्या लिख सकते हैं डी एक्स। ठीक है, अब वाई के डीसी वाई डैश हो गया, अब डी के बगल में क्या है टेन, डी के बगल में क्या है टेन, तो टेन का डीसी होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो डी के बगल में टेन एक्स, पूरा को एक्स मान लिए, तो टेन एक्स के डीसी सेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स पूरा लिख देंगे, एक्स के भाई पूरा हो गया। ठीक है, अब ये एक्स के पावर एन पर टूटेगा, पावर को हम नीचे लावेंगे, एक्स के पावर एन पावर वाला है, तो एक्स के पावर एन के डीसी पावर वा को नीचे या पावर वा में से एक हटा देना है, तो टू एक्स प्लस फाइव पावर तीन में से एक घटेगा तो क्या हो जाएगा दो। ठीक है, सी एक्स के डीसी सी, तो टू एक्स के डीसी टू, पांच का तो जीरो होगा, उसको लिखना ना लिखना बराबर हो जाए,
सी एक्स का डीसी सी, टू एक्स का डीसी टू, थ्री एक्स का डीसी थ्री, फोर एक्स का डीसी फोर, फाइव एक्स का डीसी फाइव। ठीक उसी प्रकार टू एक्स का डीसी क्या करती है टू, और फाइव कॉन्स्टेंट, इसका डीसी क्या होगा जीरो, और दो में जीरो जोड़ेंगे तो दो मिले ना, तो इधर हम छोड़ दिए। अब इसी को सजा के हम लिख देंगे वाई डैश बराबर तीन दुनी छ सेक स्क्वायर टू एक्स प्लस फाइव के द होल क्यू इंटू टू एक्स प्लस फाइव के द होल स्क्वायर। यही हो गया आंसर। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को चैन रूल समझ में आया होगा। ठीक है, और चैन रूल के सहायता से हम एक्सरसाइज बना देंगे ना तो और अच्छा आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग चैन रूल की मदद से किसी भी कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 जो एनसीईआरटी बुक है उसका जो एक्सरसाइज है 5.2 करवाएंगे, उसमें भी चैन रूल से एग्जांपल बहुत सारा दिया हुआ है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।